हेलो दोस्तों, अपनी अगली वीडियो के साथ मैं हूँ अली। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा किया जाता है न्यू ट्रेडर्स की तरफ से कि ये कौन सा जो है पेयर है वो बेस्ट है हमारे लिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों, इसके शॉर्ट आंसर यही है कि आपने उस पेयर में ट्रेडिंग करनी है जिसमें ज़्यादा जो है वो ले मूवमेंट हो, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सीलेशन हो, यानी कि फ्लेक्सिबल हो, यानी कि ऊपर नीचे जो प्राइस है वो क्विकली मार्केट पे इम्पेक्ट कर रही हो। जैसे यूरो यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड और यूएसडी है, जैसे जापनीज़ और यूएसडी है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इस तरह की जो करेंसीज़ हैं ये आप जैसे एरो ये डॉलर के एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये एक बार ओपन हो जाएगी। ये इस पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी करेंसी है, यूरो यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन यूएसडी, जापनीज यूएसडी, कैनेडियन डॉलर, ये या फिर स्वीडन क्रोना यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी। यहाँ तक दोस्तों, इसमें भी मैं आपको कहता हूँ जो यूरो यूएसडी है इसको, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन यूएसडी इसको, ठीक है, जपनीज येन छोड़ दें, ये यूएसडी कैनेडियन जो है इसको तीसरा हो गया, ये फिलहाल ये करोना भी शेफ जी करोना भी छोड़ दें और न्यूजीलैंड डॉलर भी छोड़ दें और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी। मैं जो रिकमेंड करता हूँ नए ट्रेडर्स को वो यही है चार, यूरो यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन यूएसडी और कैनेडियन डॉलर यूएसडी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी। ये चार पेयर पे अगर आप शुरू में काम करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप कहते हैं चारों में से फेवरेट कौन सा है तो मैं यही करूँगा, कहूँगा यूरो यूएसडी। उस पर अभी तक मेरे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, अभी तक मैं सबसे ज़्यादा जो काम करता हूँ यूरो यूएसडी पे करता हूँ। उस पर ज़्यादा वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उस पर ज़्यादा बेरिश और बुलिश कैंडल्स बनती हैं और सारा कुछ उस पर काफ़ी फास्टली होता है और उसके जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं वो भी समझने ज़्यादा ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन सेंट्रल बैंक और ये सारा कुछ और अमेरिका का जो न्यूज़ हैं वो क्विकली आप तक पहुंच जाती हैं इन कंट्रीज़ की, तो उस हिसाब से भी मेरे लिए ये ज़्यादा इजी है। दूसरा, मैं इधर यूरोप में रहता हूँ इस वजह से भी मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट यही है। लेकिन मैंने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा दोस्त जो मेरे मेरी होम कंट्रीज़ में भी रहते हैं, कंट्री में भी रहते हैं, वो भी इसी को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं और जो ज़्यादा काफ़ी काफ़ी एक्सपीरियंसड ट्रेडर हैं वो भी ज़्यादा यूरो यूएसडी पे ही काम करते हैं। वैसे दोस्तों, जो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड न्यू ट्रेडर को करूँगा वो यही होगा कि आप आस्ता आस्ता फिर आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा दूसरी पेयर्स में भी, लेकिन शुरू में यूरो यूएसडी में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।